सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो और सलाम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके चैनल टेक विद सिंह पे। दोस्तों, आपने ओलेक्स फ्रॉड, फोन पे फ्रॉड, यूपे फ्रॉड्स तो बहुत सुने होंगे, पर अब मार्केट में एक ऐसा फ्रॉड आ रहा है जो कि अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, मॉनिटरिंग पीरियड चल रहा है और इसी को लेकर एक न्यू फ्रॉड शुरू है जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो के साथ दोस्तों एंड तक बने रहेगा, बिल्कुल भी स्किप मत करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आपके फायदेमंद ये न्यूज रहने वाली है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे वो फ्रॉड करते हैं, किस तरीके से वो आपको मॉरेटोरियम के नाम पे आपको एक तरह से उल्लू बनाना चाहते हैं। अब फर्स्ट स्टेप की बात करें दोस्तों, देखो फ्रॉस्टर वाले क्या करते हैं, आपको बैंक के बिहाफ से कॉल करते हैं, क्योंकि उनको पता है सबसे आसान तरीका लोगों को उल्लू बनाने का कि भाई हम बैंक से बोल रहे हैं। बैंक पे हर एक बंदा ट्रस्ट करता है और उनको ये नहीं पता लोगों को कि भाई बैंक वाले अपनी मर्जी से कभी भी कॉल नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी यहाँ पे आपकी दिक्कत है दोस्तों कि आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक वाले अपने बिहाफ से कभी भी कॉल करते नहीं है। अगर वो करेंगे तो ऑब्वियसली आपको कहेंगे भाई हमारे बैंक में आओ, ऐसे को ये नहीं है कि आपको कॉल पे आपसे सारा कुछ मांग लिया। सेकंड दोस्तों क्या है, जैसे वो आपको कॉल करते हैं वो आपसे जानबूझ के अपनी पर्सनल डिटेल्स पूछते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब भी वो किसी भी बैंक पे कॉल करेंगे, आप भी करोगे, आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका एड्रेस हो गया, कस्टमर आईडी हो गया, ये सारी चीजें मांगी जाती है कि ताकि उनको पता लगे कि भाई सही बंदा ही हमसे बात कर रहा है। तो वो भी ऐसे नौटंकी करते हैं, आपको जानबूझ के आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगते हैं, आपकी कस्टमर आईडी मांगते हैं, कि आपको ये लगे कि हाँ भाई ये बंदा सच में बैंक की तरफ से हमें कॉल कर रहा है। अब तीसरे में क्या दोस्तों, वो आपको जानबूझ के ईएमआई मॉरेटोरियम के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, जो क्रेडिट कार्ड्स हो गया, लोन हो गया, होम लोन। अब ये एक्सप्लेनेशन उनकी सबसे बड़ी गलत है, इसको भी आप पकड़ सकते हैं। क्यों? वो आपको कहेंगे भाई आपको 3 महीने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपको बैंक वाले फ्री में दे रहे हैं 3 महीने के लिए, कि भाई पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, या अगर देने हैं तो आराम से 3 महीने के बाद दे दीजिएगा। तो ऐसे करके वो एक तरह से आपको जाल में लेके आते हैं कि आप उनके जाल में फंस जाओ। पर यहाँ पे एक वार्निंग आप सब व्यूअर्स को मैं देने वाला हूँ कि भाई बैंक वाले इंटरेस्ट लेते हैं, और अगर ये आपको इंटरेस्ट कह भी दे कि भाई हम बैंक वाले कम लेंगे, इनकी बातों में बिल्कुल भी मत आइएगा। मैं चौथा दोस्तों क्या है, जब ये साइटेज आपको बता देते हैं कि भाई इतने टाइम का आपको मॉरेटोरियम पीरियड मिल रहा है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, मतलब आपको एक तरह से भलाने के लिए, उसका दोस्तों आपको करता है एक फॉर्म भेजते हैं। वो फॉर्म क्या होता है, गूगल फॉर्म हो गया, कोई भी तरह का फॉर्म। ये फॉर्म दोस्तों कोई भी बंदा बना सकता है, गूगल की तरफ से होते हैं। इसमें क्या, किसी बंदे ने अगर अपनी प्रमोशंस करनी है, उन्होंने किसी का डाटा लेना है, तो वो ये फॉर्म लोगों को भेजते हैं। पर ये फ्रॉस्टर ऑब्वियसली फ्रॉड करने का इनका मकसद होता है, तो ये उन फॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं और आपको वैसे ही फॉर्म दे देते हैं जो कि एक फिशिंग फॉर्म भी कहा जा सकता है। फिशिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आप उसमें अपनी डिटेल्स डाल देते हो तो वो नकली फॉर्म होता है, और उसमें क्या होता है, आपकी जितनी भी डिटेल्स आप भरते हो ये सारी फ्रॉस्टर के पास चले जाती है। दोस्तों उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, जैसे ही आपकी डिटेल्स लेते हैं इनके पास, तो आपके साइट आ जाते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है, आपका डेबिट कार्ड नंबर क्या है। उसके बाद ये जानबूझ के आपको आपके ही बिहाफ पे एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किसी भी हो सकती है, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, पेटीएम हो गया, कोई भी वेबसाइट हो सकती है, क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत सारी वेबसाइट्स है, फोन पे हो गया, जो लोग क्या करते हैं इसमें ऐड मनी करके बाद में अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो वो भी जब उनके पास आपकी साइट आ जाएगी जो कि आपने फॉर्म में भरी होगी, या किसी भी लिंक पे जाके आपने फिशिंग फॉर्म में भरी होगी, उनके पास साइट आ जाएगी और वो उस डिटेल से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे। जैसे दोस्तों वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे, आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा। उनकी चाल एक और आपको एक तरह से उल्लू बनाने की क्या है, वो आपको कॉल करेंगे और कहेंगे कि भाई आपके एक मोबाइल पे सर ओटीपी आया है, अगर आप हमें वो ओटीपी बता दोगे तो आपका मॉरेटोरियम पीरियड अप्लाई हो जाएगा। इसको देख के दोस्तों मुझे पता है कि 99% कहेंगे कि वाह यार बड़ी जल्दी अप्लाई हो गया, हम तो इतने टाइम से अप्लाई करने के चक्कर में थे। तो मुझे पता है कि आधे लोग कहेंगे हाँ भाई ओटीपी ले लो, पर दोस्तों वो ओटीपी आपने बिल्कुल भी नहीं देना है। एक और है, उनको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं, कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता, तो कोई भी बंदा पुलिस स्टेशन नहीं जा पाएगा, अगर रिपोर्ट कर भी देगा तो दोस्तों आपको पता है पुलिस वाले कहां जाएंगे, लॉकडाउन की स्टेट है, आगे कोरोना वायरस ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी हुई है। तो इससे उनका बुलंद हो रहा है हौसला कि भाई अगर हम किसी को रेप कर लेते हैं, अगर हम किसी के पैसे मार लेते हैं, तो वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, खाली घर पे बैठा रहेगा, गालियां देगा या इधर उधर बातें करेगा और बस भड़ास निकाल लेगा। तो दोस्तों आपने ये गलती नहीं करनी है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ, मुझे लगता है आप सबको पता होंगे, बट स्टिल कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम लोग ये गलती कर देते हैं, बट स्टिल मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि भाई ये प्लीज अपने दिमाग में जान लीजिएगा, इसको बिठा लीजिएगा। सबसे पहला टिप क्या कि दोस्तों कभी भी कोई बैंक वाला आपको अपनी तरफ से कॉल नहीं करता है कि भाई हमें अपनी डिटेल्स दो, हमें ये दो, हमें ओटीपी दो। बैंक वालों को आपकी क्या जरूरत है दोस्तों आपके ओटीपी लेने की, आपकी डेबिट कार्ड डिटेल्स देने की। वो तो जब आप अप्लाई भी करते तो भी आपको जो डेबिट कार्ड देते हैं वो हमेशा एक तरह से पैक्ड होता है, अगर देखना होता तो वो वहां पे ना देख लेते।
दूसरी बात दोस्तों, कभी भी किसी को ओटीपी शेयर मत कीजिएगा। तीसरा दोस्तों, जब भी आप कोई ईमेल चेक करते हो, हमेशा चेक करेगा कि क्या वो ऑफिशियल कंपनी से आया है, उस पर कोई फॉर्म तो नहीं। अगर वो फॉर्म है उसको क्लिक मत करिएगा। अगर वो अनऑफिशियल कंपनी से आया है, किसी बंदे ने भेजा है, उसको हमेशा रिपोर्ट स्पैम कर दीजिएगा या फिर उसको डिलीट कर दीजिएगा। ओलेक्स फ्रॉड, यूपीआई फ्रॉड बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया है। मैं नहीं चाहता कि दोस्तों ये फ्रॉड और लोगों को नुकसान पहुंचाए, या आने वाले अगर ये फैलता है ज्यादा, जो कि चांसेस बहुत ज्यादा है, फ्रॉडस्टर्स को पता है कि भाई सब घर बैठे हुए हैं, तो मैं यही चाहूंगा, आपसे यही गुजारिश करूंगा कि भाई अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर दोस्तों इसको लाइक करेगा, मोटिवेशन बनता रहता है। आपके लिए ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। उसके अलावा दोस्तों इसको शेयर करिएगा, शेयर करते हो, केयर करते हो। अगर आप किसी एक बंदे का भी भला करते हो तो इस वीडियो को शेयर करने के साथ, और उसके पैसे बच जाते हैं मरने से, तो मेरे को लगता है कि आपकी ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होने वाली है अगर आप किसी का हार्ड अर्न मनी को बचाते हो। थर्ड, कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो किसी भी चीज को लेकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और एंड में ये कहूंगा कि कभी भी किसी भी बंदे को अपना ओटीपी, अपना पासवर्ड, अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मत शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो पे।